नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है बिल्डिंग ज्ञान। सिविल इंजीनियर्स, हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मटेरियल से रिलेटेड काफ़ी सारी क्वांटिटीज हमें बल्क में ऑर्डर करनी होती है, लेकिन उनमें कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसका क्वांटिटी कैलकुलेशन तो हम लोग क्यूबिक मीटर में करते हैं, लेकिन टाइम ऑफ ऑर्डर उसकी यूनिट को क्यूबिक मीटर से नंबर्स में कन्वर्ट करना होता है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, यूनिट कन्वर्शन। क्या है टॉपिक? यूनिट कन्वर्शन। मस्ट वॉच वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बिल्डिंग ज्ञान को, ताकि सिविल इंजीनियरिंग के ज्ञान की जो साइकिल है ना, वो आपके और हमारे बीच यूं ही बनी रहे। फ्रेंड्स, आइए बिना टाइम वेस्ट करें बात करते हैं आज के टॉपिक यूनिट कन्वर्शन की, जिसे हम लोग समझेंगे कंस्ट्रक्शन फील्ड के बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल ब्रिक्स के जरिए। कौन सी ब्रिक्स हम लोगों ने चूज़ की है? रेड ब्रिक, लाल वाली जो ईंट होती है। डायग्राम के जरिए हम लोग समझते हैं, क्या एक स्टैंडर्ड साइज़ की जो रेड ब्रिक होती है उसकी डायमेंशंस क्या होती है? 190x90x90 mm, मतलब लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ आपके सामने है 190x90x90 mm की। लेकिन हम लोग जो ब्रिक मेसनरी का वर्क करते हैं फ्रेंड्स, उसमें सीमेंट मोर्टार लगने के बाद, 10 mm का सीमेंट मोर्टार लगने के बाद, वही रेड ब्रिक की डायमेंशंस थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है, थोड़ी सी चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? डायग्राम देखिए, 200x100x100 mm की हो जाती है। अब हम सभी जानते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर का जो सॉलिड ब्रिक्स क्यूब होता है, मीटर बाय मीटर बाय मीटर, डायग्राम आपके सामने है, इसका जो सॉलिड ब्रिक्स क्यूब होता है उसमें नंबर्स ऑफ रेड ब्रिक्स होती है 500, है ना। अब ये क्वांटिटी कैसे आई कि भाई 1 क्यूबिक मीटर के सॉलिड ब्रिक्स क्यूब में 500 ब्रिक्स ही क्यों लगती है? एक छोटी सी इक्वेशन के जरिए हम लोग समझेंगे। इक्वेशन आपके सामने है, क्वांटिटी ऑफ वन ब्रिक, है ना, क्वांटिटी ऑफ वन रेड ब्रिक विथ सीमेंट मोर्टार इज, क्या होनी चाहिए? हम लोगों ने इसकी डायमेंशंस को मीटर से डिवाइड करके, हम लोगों ने इसकी डायमेंशंस को 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। डायमेंशंस हमारे सामने हैं, क्या होनी चाहिए? क्वांटिटी ऑफ वन ब्रिक विथ सीमेंट मोर्टार इज 0.2 मीटर बाय 0.1 मीटर बाय 0.1 मीटर। क्या आया आंसर हमारे पास? 0.002 क्यूबिक मीटर। एक जो लाल ईट होती है उसकी क्वांटिटी क्यूबिक मीटर में 0.002 क्यूबिक मीटर होती है। बात करते हैं सॉलिड ब्रिक क्यूब की। डायग्राम आपके सामने है, क्वांटिटी ऑफ सॉलिड ब्रिक क्यूब इज, है ना। हम लोगों ने क्या करा, इसकी तो मीटर बाय मीटर बाय मीटर में डायमेंशंस हमारे सामने हैं, तो उन्हें तीनों को आपस में हम लोगों ने लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर, क्या आंसर है हमारे पास? 1 क्यूबिक मीटर, है ना। सॉलिड ब्रिक क्यूब का जो क्वांटिटी होता है वो 1 क्यूबिक मीटर होता है। अब हम लोगों ने जो देखा था नोट में कि 500 ब्रिक्स लगती है 1 क्यूबिक मीटर के सॉलिड ब्रिक्स क्यूब में, ये कैसे आया क्वेश्चन? अब हमारे सामने ये होता है कि हाउ मैनी नंबर्स ऑफ ब्रिक्स इन 1 क्यूबिक मीटर। आंसर इसका क्या होना चाहिए? सिंपल सी बात है, दो चीज़ें आपके सामने हैं। आंसर क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ सॉलिड ब्रिक्स क्यूब डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स विथ सीमेंट मोर्टार। आप लोगों के पास दोनों के ही आंसर्स हैं। क्वांटिटी ऑफ सॉलिड ब्रिक्स क्यूब क्या होगा? 1, और क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स मोर्टार, ब्रिक्स विथ मोर्टार क्या होगा? 0.002। अब 1 को हम लोगों ने डिवाइड करा है 0.002 से, आंसर हमारे पास क्या आएगा? कैलकुलेटर उठा लीजिए अपने हाथ में, कैलकुलेट करके खुद देख लीजिए कि क्वांटिटी ऑफ सॉलिड ब्रिक्स क्यूब 1 थी और क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स विथ सीमेंट मोर्टार 0.002 थी। 1 को हम लोगों ने डिवाइड करा है 0.002 से, क्या आंसर आया आपके कैलकुलेटर में? नंबर्स ऑफ ब्रिक्स का 500 नंबर्स, है ना, 500 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स इन 1 क्यूबिक मीटर सॉलिड ब्रिक्स क्यूब। क्लियर है फ्रेंड्स? अब 500 तो आ गया आपके सामने, अब हम लोगों ने ये देखना है कि 1 क्यूबिक फीट का जो सॉलिड ब्रिक्स का क्यूब होता है उसमें नंबर्स ऑफ ब्रिक्स कितनी लगेगी। सिंपल है, इन 1 क्यूबिक फीट सॉलिड ब्रिक्स क्यूब क्या किया हम लोगों ने, 500 जो हमारे पास आंसर आया था ब्रिक्स का, उसे डिवाइड करा 35.28 से हम लोगों ने डिवाइड करा, तो 14.17 नंबर्स इन 1 क्यूबिक मीटर आंसर हमारे सामने है। 14.17 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स इन 1 क्यूबिक फीट सॉलिड ब्रिक्स क्यूब। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि डायग्राम के जरिए ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि ब्रिक्स को हम लोगों ने क्यूबिक मीटर से नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करा, कि 1 क्यूबिक मीटर सॉलिड ब्रिक्स क्यूब में 500 ब्रिक्स लगती हैं, 1 क्यूबिक मीटर
सॉलिड ब्रिक्स क्यूब में 14.17 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स लगती हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बिल्डिंग ज्ञान को। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, जुड़े रहिए बिल्डिंग ज्ञान से। नेक्स्ट टाइम बहुत ही जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक नए टॉपिक के साथ, एक नए स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।